नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की जो क्लर्क की जो वैकेंसीज निकलती है, जो भर्ती निकलती है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस लगती है और क्या क्वालिफिकेशंस के रूल है जिन्हें हमें पास करना होता है, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन होता है, और क्या फिजिकल स्टैंडर्ड लगता है और क्या एज लगती है। मीन्स सारी डिटेल्स आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस जो कि हमने अपलोड करके रखे हैं, मेडिकल के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग, इंडियन आर्मी सोल्जर का इंटरव्यू, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर का इंटरव्यू, तो सारे वीडियोस आप वॉच कर ले तो सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको अच्छे लगते हैं हमारे वीडियोस तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही हम कोई नया वीडियोस अपलोड करते हैं तो डायरेक्टली हमारे वीडियोस आप सभी तक पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एज के बारे में। इंडियन आर्मी क्लर्क ज्वाइन करने के लिए जो आपकी एज है 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो 12th आपको पास करनी है, 60% मार्क्स आप सभी के होने चाहिए 12th में, और 50% मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 50% मार्क्स होने ही चाहिए और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर मीन्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में, यदि 50 के नीचे है सभी सब्जेक्ट्स में तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि 60 के नीचे है आपके जो ओवरऑल परसेंटेज तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो ये क्राइटेरिया है वो आपको क्वालिफाइड करना होगा। बात करें 10th की तो 10th में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी इंग्लिश और मैथ्स में। 50% मार्क्स होने ही चाहिए 10th में इंग्लिश और मैथ्स में, तो ही आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क की वैकेंसीज के लिए। फर्स्ट हम बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, वो भी एक्सपांड करके। नॉर्मल चेस्ट आप सभी का 77 सेंटीमीटर, एक्सपांड करके 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।